चलिए नमस्कार जय हिंद गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब तो भाई कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणों से तो ये जो क्लास कई दिनों से कई दिनों से आगे बढ़ती ही जा रही थी कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि हर हर एक वीक में एक से दो क्लास आपकी जो रहेंगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रहेंगी मीन्स पच्चीस से तीस क्वेश्चन हम आपके लिए हर वीक में एक से दो बार लेकर के आएंगे और उसके अलावा जो तीन चार दिन रहेंगे उस दिन आपका जो भी टॉपिक है वो होगा मंडे को मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2023 की तैयारी कैसे आपको करनी है उसके बाद कल क्लास नहीं हो पाई और आज हम 2023 हजार की जो तैयारी है उसके लिए पहला ये समझ लीजिए कि 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं तो जल्दी जल्दी आ जाइए फिर करते हैं शुरू आवाज़ थोड़ा कम है कोई बात नहीं मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा चलिए जल्दी, जल्दी जल्दी आ जाइए और एक और चीज़ एक और बहुत ज़रूरी सूचना आपके लिए कि जो आर का स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है आपका 11 जून को जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो आ रहा है 25 जून को जी हाँ आर स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट 25 जून को घोषित कर दिया जाएगा 12 दिन का समय हमने आपसे मांगा था लेकिन दो दिन ज्यादा लगेंगे मीन्स दो वीक के अंदर ये रिजल्ट आ रहा है और एक सबसे बड़ी चीज जो इस बार होने वाली है कि इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाला है जितना इतिहास में कभी भी सुखोई के नहीं मिला होगा जी हाँ कम से कम कम से कम 50 से ज्यादा बच्चों को इस बार हम स्कॉलरशिप देने की सोच रहे हैं तो 25 तारीख को भी 25 जून को शाम को सात बजे संडे को जुड़ना मत भूलिए उसके बाद आज का दिन बेहद खास है आज इंटरनेशनल योगा डे है 2015 से लगातार यूएन के द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि पूरे साल भर में आज का ही दिन होता है जब फोर्टीन होता है जी सबसे बड़ा जो दिन है वो 21 जून को होता है है और सबसे छोटी जो रात वो भी 21 जून को होती है क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को इस फिनोमेना को कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए और फिर मैं शुरू करता हूं आपके लिए जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो शायद मैं पहले कभी आपके लिए ना लाया हूँ क्योंकि मैं कोशिश अब कर रहा हूँ लगातार कि आपके लिए जो भी चीजें लाऊँ वो चीजें बिल्कुल नई रहें क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आप भी थोड़ा सा थोड़ा सा क्या हो जाते हो परेशान हो जाते हो कि बार 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 चीजें रिपीट हो रही है चलिए मैराथन पच्चीस तारीख को मैं लेने वाला था लेकिन शायद इस बार मैराथन क्लास ना हो या होगी भी तो भी आपको बता दिया जाएगा और कोशिश होगी कि सात बजे आपका रिजल्ट घोषित करने के बाद साढ़े सात बजे से मैराथन क्लास शुरू हो जाए आर आई एम सी स्कॉलरशिप का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं कोशिश करूंगा आपको किसी मैराथन क्लास में बताने की जी हाँ कोई ना कोई एक मैराथन क्लास हम ले लेंगे जिसमें आर आई एम सी का स्कॉलरशिप टेस्ट का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और कोशिश होगी कि पच्चीस तारीख को ही आपको ये सोल्यूशन मिल जाए मोस्ट इंपोर्टेंट

आज है समर सोलस्टिस आज क्या है समर सोलस्टिस है ठीक है अब ये समर सोलस्टिस होती क्या है समर सोल का मतलब है कि भाई आज के दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी हमारी जो धरती है ये धरती में बीच में भाई क्या है इक्वेटर है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नीचे कैप्रिकॉन है तो सूरज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आज के दिन पड़ता है इक्कीस जून को सूरज सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपना रोशनी डालता है मीन सीधा स्ट्रेट बढ़ता है जिसके कारण हम जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होंगे तो हमें सबसे बड़ा दिन आज महसूस होगा चलिए पहला सवाल है आपके सामने पहला सवाल है मिक्की माउस का अगर आप आरआईएमसी आरएमएस के पेपर देखोगे पुराने तो भाई मोनालिसा पेंटिंग या माइकल एंजिलो मींस बहुत सारी चीजें आपको पेंटर से या फिर उनके क्रिएशन से पूछ लिया जाता है कम से कम चार से पांच क्वेश्चन पिछले दस साल में ऐसे आ चुके होंगे कि आपको पूछा जाएगा कि जो फेमस कैरेक्टर्स बनाए गए हैं वो किनके द्वारा बनाए गए हैं तो ऐसा ही एक फेमस कैरेक्टर है मिकी माउस और डोनाल्ड आज से लगभग अस्सी नब्बे साल नब्बे साल पहले 1934 में शायद मिकी माउस शुरू हुआ डोनाल्ड डक शुरू हुआ था और ये दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स में से एक है तो आपको बताना है ये कुछ महान शख्सियत हैं जो जुड़ी हुई हैं किससे हॉलीवुड से और उनमें से एक महान शख्सियत के द्वारा क्या बनाया गया था मिक्की माउस और डक नाम का कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था ठीक है तो वो कौन है वो है डिजनी के संस्थापक वॉल्ट डिजनी ठीक है तो किसके द्वारा बनाया गया था वॉल्ट डिजनी के द्वारा बनाया गया था डोनाल्ड डक और आपका मिकी माउस ठीक है तो अगर आपसे किसी फेमस क्रिएशन के बारे में पूछ लिया जाता है कोई फेमस बुक हो तो आर में खासकर चांसेस होते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने के और मिलिट्री स्कूल में भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं ठीक है जी तो पहले का आंसर क्या है वॉल्ट डिज्नी है कि भाई किस कार्टूनिस्ट के द्वारा बनाया गया था मिकी माउस और डोनाल्ड डक किसके द्वारा बनाया गया था आपके वॉल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया था अगला सवाल है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो क्या है एक मंडोलियन है संतूर बजाते हैं सितार बजाते हैं कि वीणा बजाते हैं ठीक है पंडित शिव कुमार शर्मा अब ये किससे रिलेटेड है ये है कि जो भाई या तो म्यूजिशियन होंगे या फिर डांसर होंगे means famous जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कैसे आएंगे कि भाई पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो किससे संबंधित है किससे संबंधित हैं कथक से संबंधित हैं तो ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है ठीक है अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से चार से पांच ही लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिनमें से भाई अमजद खान सरोद से हो गए तबला से आपके जाकिर हुसैन हो गए सितार से आपके पंडित रविशंकर हो गए तो बचे कौन शिव कुमार शर्मा ये चार से पांच शख्सियत आपको याद रखनी है और इनसे ही आपका एक सवाल अगर पूछा गया तो इनसे ही पूछा जाएगा तो कौन है संतूर बजाते हैं ठीक है पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है संतूर बजाते हैं ठीक है सितार कौन बजाते हैं पंडित शंकर जो भारत के पहले म्यूजिशियन रहे हैं जिनको मिला है आपका ग्रेमी अवार्ड ठीक है तो कई बार ये पेपर में भी आता आ चुका है और एसएससी से लेकर के बहुत पेपर्स में आपका पंडित शिव कुमार शर्मा पे अमजद खान पे इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है तो क्या है संतूर बजाते हैं सितार कौन बजाते हैं रविशंकर सितार कौन बजाते हैं रवि शंकर तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन तो ये आपको याद करना है उसके बाद सुनीता विलियम्स कौन है देखो पिछली बार आया कल्पना चावला पे उससे पहले शायद आठ दस साल पहले कल्पना चावला पे आया राकेश शर्मा पे क्वेश्चन आया तो ये कौन है ये वो भारतीय हैं जो स्पेस में गए थे अब उनमें कुछ और नाम अगर आप ऐड कर दोगे तो कुछ और भारतीय हैं कल्पना चावला और राकेश शर्मा के अलावा जो स्पेस में गए हैं हैं जिनमें से एक सुनीता सुनीता विलियम्स 2005-6 विलियम्स के करीब स्पेस में गई थी और काफी दिन तक स्पेस में रहने का उनके नाम रिकॉर्ड था अब ये भाई इंडो अमेरिकन है भारतीय हैं लेकिन अमेरिका के लिए गई थी नासा के लिए गई थी एक और नाम जो है वो है श्रीस बंदला का एक और जो नाम है वो है श्रीश बंदला का जो जैब बेजोज के साथ गई थी स्पेस में तो ये नाम आपको याद रखने हैं तो कौन है ये एक एस्ट्रोनॉट है ये कौन है एक एस्ट्रोनॉट है और भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है कल्पना चावला है ठीक है भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है कल्पना चावला भारत के पहले जो पुरुष एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम है राकेश शर्मा वो रशिया की ओर से गए थे 1984 में गए थे और उनको हम कॉस्मोनॉट बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम कॉस्मो नॉट बोलते हैं ठीक है अब भारत का जो फेमस कार्टून्स हैं वो कौन से हैं आप याद कीजिए 2019 का एक पेपर याद कीजिए मिलिट्री स्कूल का पेपर था और मिलिट्री स्कूल के पेपर में पूछा गया था चाचा चौधरी के बारे में जी हाँ चाचा चौधरी भारत के सबसे फेमस कार्टून्स में से एक है आपको पता है चाचा चौधरी को किसने बनाया था चाचा चौधरी को बनाया था प्राण ने प्राण कुमार शर्मा ने ठीक है प्राण कुमार शर्मा के द्वारा इसको बनाया गया था और ये पेपर में आ चुका है मिलिट्री स्कूल के 2019 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चाचा चौधरी नाम का जो कार्टून था वो किसके द्वारा बनाया गया था वो प्राण कुमार शर्मा के द्वारा बनाया गया था तो भारत के लिए तो सबसे फेमस मुझे नहीं लग रहा है इससे फेमस कोई भी कार्टून हुए हूँ उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं पंडित भीमसेन जोशी देखो मैंने पर्सनैलिटीज पे ही ज्यादा आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं भारत की कि उनपे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे ठीक है तो कुछ फेमस डांसर्स हैं कुछ फेमस म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और ये इतने महान हैं कि इनको भारत रत्न तक दिया जा चुका है पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न इनको मिल चुका है और कौन है पंडित भीमसेन जोशी पंडित भीमसेन जोशी म्यूजिक से, से, से संबंधित है कैसा म्यूजिक है जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक है ठीक है ठीके? जो भारत का पुराना म्यूजिक है ना उससे संबंध रखते हैं पंडित भीमसेन जोशी तो आपको याद रखना है पंडित भीमसेन जोशी कौन है क्लासिकल म्यूजिक से संबंध रखते हैं भारत रत्न इनको दिया जा चुका है और आपके लिए क्या है ये जरूरी हो जाता है ठीक है ये क्या हो जाता है आपके लिए जरूरी हो जाता है अब देखो कौन कौन सी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ पे पूछा जाता है खासकर जो म्यूजिक से संबंधित हैं खासकर जो डांस से संबंधित है अब ये मत कहना कि सर किसी बॉलीवुड में भाई कोई फला एक्टर नाचता है तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा बेटा ये इतनी महान शख्सियतें हैं भले ही वो रविशंकर हों भले ही वो भाई आपके आ... पंडित जसराज हो भले ही वो आपके बिरजू महाराज इतनी फेमस शख्सियत हैं कि इन्हें पूरा देश जानता है इनके काम की वजह से सर पूरा देश तो टिकटॉक वालों को इंस्टाग्राम रील वालों को भी जानता है तो उनपे क्वेश्चन नहीं आएंगे आप टेंशन मत लीजिए ठीक है आगे बात करते हैं राजघाट की राजघाट क्या है एक मेमोरियल है क्रेमेटोरियम है क्रेमेटोरियम क्या होता है कि भाई जहां पे किसी भी आदमी को जलाया या दफनाया जाता है अब उसके याद में यहां पे क्या बनाया गया है एक स्मारक बनाया गया है और ये किसकी बातें कर रहे हैं राजघाट जो है ये किसका मेमोरियल है राजघाट मेमोरियल है आपके महात्मा गांधी का अब आपसे क्या केवल महात्मा गांधी के मेमोरियल पे ही क्वेश्चन आएंगे जी नहीं आपसे पूछे जा सकते हैं इनके अलावा भी क्वेश्चन महात्मा गांधी के अलावा और किस किस का मेमोरियल याद रखना होता है तो दूसरा मेमोरियल आपको याद रखना है राजघाट के साथ में विजय घाट है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी का क्रेमेटोरियम या मेमोरियल है ठीक है तो वो आपको याद रखना है इसके अलावा आपको शांतिवन शक्ति स्थल समता स्थल ये सब एक ही जगह पे हैं। है ना किसान घाट चौधरी चरण सिंह का तो चार से पांच आपको याद रखने होंगे एक मैं मेसेलेनियस का वीडियो ज़रूर लेके आऊंगा जिसमें कुछ वो क्वेश्चन में लाऊंगा जो क्वेश्चन हम कभी करते ही नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा टॉपिक होता है उसको हम आपके सामने कभी लाते नहीं है जिनमें से एक क्रोमोटोरियम वाला भी टॉपिक है मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स लेके आऊं जो इकट्ठे एक, एक साथ मतलब उसमें कुछ चार पांच ऐसे टॉपिक हो जिनको मैं एक क्लास में तो नहीं करवा सकते मतलब जो पांच पांच दस दस मिनट के हैं लेकिन पांच को में एक क्लास में करवा सकते हैं ठीक है तो महात्मा गांधी का है आपका कौन सा राजघाट कहां पे है दिल्ली के अंदर है कहां पे है दिल्ली के अंदर है उसके बाद अगला है फाउंडर देखिए फाउंडर आपसे पूछा जा सकता है कि आजकल भाई सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम बताइए सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक आपको पता है फेसबुक 2004 में बनाई गई थी और इसे बनाने वाले आदमी का नाम क्या है ये पूछा गया है तो फेसबुक को बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने किसने बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था ठीक है अब अब और आपको नाम दे रखे हैं जिनमें से ब्राइन एक्टन का नाम दे रखा है या फिर आपको लैरी पेज का नाम दे रखा है ये भी फॉलो ये भी क्या है ये भी फाउंडर्स हैं जैसे लैरी पेज ने फाउंड किया था गूगल को जी हाँ दुनिया का भाई सबसे फेमस सर्च इंजन जो है जिसपे हम चीजों को खोजते हैं वो गूगल है जिसे लैरी पेज के द्वारा बनाया गया था जिसे सरजी ब्रिन के द्वारा बनाया गया था आपको बताना है ब्राइन एक्टन ने क्या बनाया था वो चीज जो काफी फेमस भी रही थी तो ब्राइन एक्टन के द्वारा क्या बनाया गया था और फेमस नहीं सबसे फेमस चीजों में से एक है ब्राइन एक्टन का ठीक है तो मेरे को भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताने की कोशिश कीजिए कि ब्राइन एक्टन ने क्या किया था उसके बाद सर मेरे पापा बीएसएफ में हैं तो क्या मैं जीसीओ देखो मैं फिर से बता दूं बेटा जिनको भी डिफेंस कोटा लेना है ना डिफेंस वाला कोटा जिन्हें भी चाहिए उनके लिए मैं एक सूचना बता देना चाहता हूँ डिफेंस कोटा उनको मिलता है जो आर्मी एयर फोर्स या नेवी में है आर्मी एयर फोर्स या नेवी में है जिनके पापा मम्मी उनको ही क्या मिलेगा डिफेंस कोटा मिलेगा इसके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा वो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इन पे किसी भी प्रकार का आपको डिफेंस का कोटा नहीं दिया जाएगा ठीक है तो डिफेंस का कोटा आपको अगर चाहिए तो भी आपको केवल इन तीनों सेनाओं से संबंध रखना होगा ठीक है तो ध्यान रखना बेटा आप जनरल कैटेगरी में आओगे डिफेंस में, में नहीं आओगे आगे बात करता हूं दुनिया की सबसे पहली महिला प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी देखिए आपको भारत की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में पता है भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो महिला थी उनके बारे में पता लेकिन अगर वर्ल्ड का आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे आंसर करोगे दुनिया का सबसे पहली महिला जो प्रधानमंत्री हुई है उनका नाम है श्री राम भंडार नाइके ठीक है श्री श्रीमावा भंडार नायके एस भंडार नाइके बोला जाता है इनको और ये आपको पता होगा किस देश की थी नहीं पता क्यों नहीं पता क्योंकि भाई बहुत लोगों ने पहली बार सुना है तो श्रीलंका की इनके पति की हत्या कर दी गई थी 1959 में पति की हत्या के बाद इनको क्या बनाया गया था प्रधानमंत्री बनाया गया था और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि, कि किसी महिला को किसी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था तो किसको एस भंडार नायके को क्या बनाया गया था श्रीलंका का प्रधानमंत्री अब यह तो हो गया प्रधानमंत्री की बातें अब आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की बातें दुनिया की पहली फीमेल जो प्रेसिडेंट रही हैं वो अर्जेंटीना की थी ठीक है दुनिया की जो पहली महिला प्रेसिडेंट रही हैं वो थी एस्टेला पैरो नाम था एस्टेला पैरो और जो रही हैं अर्जेंटीना की ठीक है अर्जेंटीना की एस्टिला क्या है आपकी पहली ठीक है पहली प्रेजिडेंट महिला ठीक है जी तो याद रखोगे याद आपको रखना पड़ेगा उसके बाद अगली बात करते हैं काजी नजरुल इस्लाम की यह काजी नजरुल इस्लाम को क्या माना जाता है नेशनल पोइट माना जाता है जैसे भारत के नेशनल पोइट का नाम है क्या भारत का राष्ट्रीय कवि जो माना जाता है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मानते हैं भारत के जो राष्ट्र कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है जो महात्मा गांधी ने उनको बोला था और इसके अलावा अब पाकिस्तान के अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं मोहम्मद इकबाल ठीक है अब ये तीनों देश एक थे और ये जो तीनों शख्सियत थी ये कहीं ना कहीं भाई इनका जन्म क्या कब हुआ जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो बांग्लादेश के कौन है काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्र कवि माना जाता है काजी नजरुल इस्लाम को जिनको क्या बोलते हैं विद्रोही कवि बोलते हैं रिबेल पोइट के नाम से जिनको जाना जाता है ठीक है तो विद्रोही कवि किसे बोलते हैं काजी नजरुल इस्लाम को ठीक है काजी नजरुल इस्लाम ठीक है डिफेंस कोटा का मतलब होता है कि कुछ सीट्स जो हैं वो प्योरली उनके लिए रिजर्व हैं जिनके बच्चे आर्मी जिन मतलब जिनके पेरेंट्स सॉरी जिनके जो पेरेंट्स हैं वो आर्मी एयरफोर्स या नेवी के अंदर होंगे अगर आपके पापा मम्मी में से कोई भी आर्मी एयरफोर्स या नेवी में होगा तो आपको डिफेंस का जो कोटा आई मीन डिफेंस की जो सीट्स है वो मिलेंगी 25% सीट्स रिजर्व होती हैं सैनिक स्कूल में और 70% सीट्स रिजर्व होती हैं मिलिट्री स्कूल में उसके बाद अगला क्वेश्चन है दीपिका पल्लीकल जो हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं ठीक है बहुत फेमस पर्सनालिटी है सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लीकल ये अपने खेल की भारत की सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं नाम है सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लीकल अब सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लीकल जो हैं ये किस खेल की महान पर्सनैलिटी हैं किस खेल से संबंध रखते हैं तो ये रखती हैं स्क्वैश नाम के खेल से किससे स्क्वैश नाम के खेल से संबंध रखती हैं दीपिका पल्लीकल और सौरभ घोषाल ठीक है दो ही फेमस हैं इस खेल के तो ये आपको याद रखना होगा बैडमिंटन के महान पूछ लिए जाते हैं हॉकी के महान पूछ लिए जाते हैं क्योंकि प्रीवियस प्रीवियसली अगर हम देखेंगे पिछली बार सतनाम सिंह के बारे में आरएमएस में क्वेश्चन आया था बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं सतनाम सिंह जिनके ऊपर आरएमएस में क्या आया था क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद अब नॉर्मन बारलॉक की बातें होती हैं नॉर्मन बारलॉक का क्वेश्चन आरएमएस 2022 में आया था क्वेश्चन था कि बारलॉक प्राइज किसको दिया जाता है नॉर्मन बारलॉक क्या हैं एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं तो बारलॉक प्राइज किस में मिलता है एग्रीकल्चर में ठीक है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मन बारलॉक को जो नोबल प्राइज है वो किस फील्ड में मिला था महान वैज्ञानिक नॉर्मन बार्लॉग जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जो मेक्सिको के रहने वाले थे और जिनका योगदान दुनिया के लिए ये है कि इनकी वजह से आज बहुत सारा गेहूं हम उगा पाते बहुत सारा चावल उगा पाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा आज जो इतना खेतों में आपका उपज होती है गेहूं और चावल उगते हैं उसका कारण नॉर्मन बार है तो नॉर्मन बार को नोबल प्राइज दिया गया था और ये नोबल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया था यह आपसे पूछा गया है देखो एग्रीकल्चर में कोई नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता है तो एग्रीकल्चर कट जाएगा भले ही एग्रीकल्चर से संबंधित थे लेकिन एग्रीकल्चर में कोई नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा इनको नोबल प्राइज दिया गया था पीस के लिए पीस का मतलब क्या होता है शांति मतलब समाज सेवा के लिए लोगों के लिए काम करने के लिए तो पीस का नोबल प्राइज दिया गया था नॉर्मन बारलॉक को किसका दिया गया था पीस का नोबल प्राइज नॉर्मन ना कुछ भी गलत सोच लेते हो दिमाग, दिमाग लगा के सोचोगे कि यार एग्रीकल्चर में तो नोबल ही नहीं दिया जाता तो फिर मैं कैसे करूं भाई नोबल छह फील्ड में दिया जाता है मेडिसिन है फिजिक्स है केमिस्ट्री है पीस है लिटरेचर है और इकोनॉमिक्स है ठीक है जी अब आपको तीन इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं अब भाई इकोनॉमिक्स के लिए तो वो इतना भाई पैसे वाला और ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान रखता था उसने लोगों के लिए काम किया और जब कोई लोगों के लिए काम करता है लोगों के हित में काम करता है तो उसे पीस का नोबल प्राइज दिया जाता है ठीक है जैसे कि किनको दिया गया था मदर टेरेसा को दिया गया था उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैचू कौन सा स्टैचू है जो आइकन है फ्रीडम का किसका आजादी का आइकन है और फ्रांस वालों ने इसको डिजाइन किया है ठीक है कौन सा महान जो स्टैचू है वो आजादी का आइकन है मींस उसको आजादी का प्रतीक माना जाता है और उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था फ्रांस के एक डिजाइनर के द्वारा डिजाइन किया गया था बताइए कौन सा है अरे देखो इसमें क्ल्यू क्या है क्ल्यू है आइकन ऑफ फ्रीडम फ्रीडम का मतलब लिबर्टी तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है बेटा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के द्वारा गिफ्ट किया गया था यूएसए को कहां पे है ये न्यूयॉर्क के अंदर है और ये गिफ्ट किया गया था किसके द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा किसको यूएसए को गिफ्ट किया गया था आजादी के प्रतीक के तौर पे ठीक है जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी ओके okay, यूनिटी कहां है आपके भारत में है स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके भारत में है स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपके यूनिटी का प्रतीक है एकता का प्रतीक है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है देखो पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर में क्वेश्चन पढ़ते समय आप इस पे फोकस करो नॉट वाले पे देखो आर स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि बहुत बच्चे जो लगातार ऑनलाइन पढ़ रहे थे एक तो ये है कि भाई आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे शायद क्योंकि इतना अच्छा स्कोर आपने किया नहीं है फोर्टी फाइव फिफ्टी स्कोर किया है थोड़ा कठिन था इतना आसान भी नहीं कहूंगा मैं आर आई एम सी स्कॉलरशिप एग्जाम जो जीके का हुआ लेकिन इतना भी कठिन नहीं था कि आप फिफ्टी फिफ्टी फाइव स्कोर ना कर पाए मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि वो बच्चे जिनको मैं ऑनलाइन में लगातार देखता था जो ठीक ठाक करते थे वो फोर्टी फाइव फिफ्टी तक ही रह गए तो ये थोड़ा दुख रहा और भाई देखो फोर्टी फाइव फिफ्टी बिना तैयारी के या बिना भाई कोचिंग के तो बहुत है ये भी लेकिन फिर भी आपको बहुत जरूरत है चीजों को करने की उसके बाद सार्क क्या होता है भैया सार्क होता है साउथ एशिया का एक एसोसिएशन ठीक है साउथ एशिया का क्या है एसोसिएशन है किस लिए है ये एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन किसके लिए है ये रीजनल कॉपोरेशन के लिए है ठीक है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जिसका हेडक्वार्टर आपके नेपाल में पड़ता है काठमांडू में पड़ता है ठीक है ये तो हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ हेडक्वार्टर की लेकिन नॉट पूछा है तो इसका कौन सा मेंबर नहीं है इसके आठ मेंबर हैं काठमांडू में हेडक्वार्टर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत मालदीव श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश ये देश क्या है इसके मेंबर है ठीक है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ये नॉन परमानेंट है बेटा नॉन परमानेंट कौन है जो परमानेंट नहीं है है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे बोलते हैं दुनिया की पुलिस तो दुनिया की पुलिस जो है ना उसका कितने मेंबर जो है वो परमानेंट नहीं है दुनिया की जो पुलिस है उसके कितने मेंबर परमानेंट नहीं है ये आपसे पूछा गया है उसके कितने मेंबर परमानेंट हैं पांच प्लस दस क्या हैं नॉन परमानेंट तो ये जो नॉन परमानेंट हैं ये बदलते रहते हैं लेकिन जो हमेशा से हैं ये नहीं बदलेंगे तो ये जो दस हैं ये दस ये क्या है नॉन परमानेंट और परमानेंट कौन से हैं आपका चाइना है आपका फ्रांस है आपका रशिया है ठीक है जी और दो बहुत पुराने देश यूके और यूएसए तो ये पांच देश हैं जिनको वीटो पावर हासिल है और जिन्हें क्या बोला जाता है जिन्हें बोला जाता है दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं ओके तो ये हैं आपके दस नॉन परमानेंट देश जो मैंने नहीं बताए क्योंकि हर दो साल में ये बदलते रहते हैं हेडक्वार्टर कहां पे है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूयॉर्क के अंदर उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद का एक मेमोरियल बनाया गया और इसकी खासियत है ये कि ये कि बिल्कुल क्या है ये बिल्कुल समुद्र में आपको पड़ता है आपको जमीन से समुद्र की तरफ जाना पड़ेगा इसका मतलब बात कहाँ की हो रही है इसका मतलब भारत के उस इलाके की बात हो रही है जहां पे समुद्र पड़ता है लेकिन आपको अंडमान दे रखा है इसमें कन्याकुमारी भी दे रखा है बेटा ये बहुत फेमस मेमोरियल पे है कन्याकुमारी के अंदर स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जिन्होंने आपका विदेशों में खासकर अमेरिका में शिकागो में एक भाषण दिया था जिससे भारत और हिंदू धर्म की बहुत पॉपुलैरिटी रही है तो रामकृष्ण मिशन के लिए आप उन्हें याद रखोगे वेल्लूर मठ के लिए उन्हें याद रखोगे और उन्हें याद रखोगे आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए भी अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है देखो डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एम अभी आया था आपके पेपर में भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ की बात करूं तो एक जनवरी को 1995 में डब्ल्यूटीओ बना था और ये डब्ल्यूटीओ दुनिया के लगभग जितने देश हैं 195 के करीब देश इसके सदस्य हैं और ये सदस्य क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से भाई ट्रेड जो होगा है ना व्यापार जो होगा उनके लिए एक संगठन बनाया हुआ है और यह तीनों का हेडक्वार्टर जनेवा में है बीमारी है क्यों सारे हेडक्वार्टर जनेवा में होते हैं देखो जनेवा है स्विट्जरलैंड में और जनेवा में या खासकर स्विट्जरलैंड में किसी से कोई खतरा नहीं होता किसी को क्योंकि वो कंट्री दो आप सबसे क्या रहता है दूर रहता है तो इस कारण से आपके जनेवा में ज्यादातर हेडक्वार्टर पाए जाते हैं तो ये हेडक्वार्टर भी कहाँ है ये हेडक्वाटर भी आपके जेनेवा के अंदर है तो डब्ल्यू WTO ओ डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू तीनों हेडक्वार्टर कहाँ है जनेवा के अंदर है इसके अलावा और क्या है ILO का जनेवा में है रेड क्रॉस का जनेवा में है ठीक है तो कुछ और हेडक्वार्टर जो आपको याद रखने हैं जो जनेवा में पड़ते हैं ठीक है जी चलिए आगे बातें करते हैं अगला है लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज अभी बिल्कुल नई भाषा कौन सी बनी है कहां की यूएन की देखो यूएन की छह भाषाएं हैं यूएन की कितनी है बेटा छह भाषाएं हैं यूएन की कौन कौन सी हैं? आपकी स्पेनिश यूएन में बोली जाती है क्योंकि स्पेनिश दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा फेमस भाषा है इसके अलावा चाइनीज बोली जाती है इंग्लिश है ठीक है जी फ्रेंच है ठीक है जी इसके अलावा इंग्लिश हो गया फ्रेंच हो गया आपका रशियन है और अभी लेटेस्ट में जोड़ा गया था अरेबिक को किस भाषा को जोड़ा गया था अरेबिक भाषा को जोड़ा गया था तो आपसे पूछा लेटेस्ट कौन सी है Means जिसे छठवीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है तो जिसको बिल्कुल लेटेस्ट भाषा के रूप में जोड़ा गया था उस भाषा का नाम है अरेबिक उसका नाम क्या है अरेबिक है ठीक है जी उसके बाद द ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हम बात कर रहे हैं ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री कुछ ऐसे देश कितने देश हैं चौदह है ऐसे देश हैं जो पेट्रोल को दूसरे देशों को बेचते हैं भाई भारत एक्सपोर्ट नहीं करता क्योंकि भारत में तो इतना होता ही नहीं है है ना भारत तो इम्पोर्ट करता इम्पोर्ट का मतलब लाना एक्सपोर्ट का मतलब बाहर ले जाना तो चौदह ऐसे कंट्रीज हैं जो दूसरों को क्या देते हैं तेल देते हैं और तेल की वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है तो आपसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहां पे है ऑस्ट्रिया के वियना में है अब ये कंफ्यूजिंग होता है कि सर ये भी तो बहुत ज्यादा तेल भाई निकालते हैं सऊदी अरब दुनिया के सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है तो हमें रियाद के बारे में या कुवैत के बारे में या फिर अबू धाबी के बारे में कौन कर? ठीक है चलो सर आज भाटी सर क्लास क्यों नहीं बेटा वो थोड़ा दिक्कत हो गया भाटी सर का क्लास भी हो जाएगा थोड़ा 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 सा दिक्कत है आप टेंशन मत लीजिए भाटी सर का क्लास भी हो जाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है आपका अगला है भाई अ बुक कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ टाइम ठीक है ये ऑटोबायोग्राफी एक बहुत महान शख्सियत की ये ऑटोबायोग्राफी एक बहुत महान शख्सियत की और आपको बताना है वो महान शख्सियत कौन है किताब का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ़ टाइम ठीक है इतनी महान शख्सियत आप सबने देखा होगा इनका नाम है क्या स्टीफन हॉकिंग क्या नाम है इनका स्टीफन हॉकिंग जेके रोलिंग कौन है जिन्होंने आपका क्या लिखा जिन्होंने आपका हैरी पॉटर लिखा था कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने हैरी पॉटर किताब लिखी है ठीक है अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने एक महान फिजिक्सिस्ट जिन्हें भाई कह सकते हो भौतिक शास्त्री एस्ट्रोफिजिस्ट ठीक है इनके द्वारा बताया गया था भैया ब्लैक होल वगैरह के बारे में रिसर्च करते थे और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये ना चल सकते थे ना बोल सकते थे नाम था इनका स्टीफन हॉकिंग आगे बात करेंगे गाइड नाम की जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है ठीक है बहुत फेमस नोवेल है गाइड एक और फेमस नोवेल है इन्हीं का मालगुडी डेज ठीक है ये भारत के सबसे फेमस किताबों में से एक है और ये किसके द्वारा लिखे गया है आर के नारायण के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है ये आर के नारायण के द्वारा इनको लिखा गया है ठीक है तो ये चीज आप क्या रखनी है आपको याद रखनी है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है आपका गुलामगिरी नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है किताब का नाम है गुलाम गिरी अब हिस्ट्री की किताब है काफी फेमस है गुलामगिरी जो किताब है वो उस शख्सियत के द्वारा लिखी गई है जिसके द्वारा सत्य शोधक समाज बनाया गया था नाइन्थ क्लास में ये पूछ लिया जाता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा सिक्स क्लास में भी आर में भी सत्य शोधक समाज क्या है सत्य शोधक जो समाज है ये किसके द्वारा बनाया गया था और ये कब बनाया गया था और ये क्यों बनाया गया था ये कास्ट मूवमेंट था भाई छोटी जातियों को पहले जिन्हें सो कॉल्ड छोटी जाति में जिन्हें माना जाता था छोटी जाति उनको अधिकार नहीं था कहाँ का उनको अधिकार नहीं था मंदिरों में जाने का उनको अधिकार नहीं था भाई बड़े लोगों से सामने से गुजरने का तो मूवमेंट चलाया गया था सत्यशोधक समाज नाम का और यह चलाया था आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा किसके द्वारा चलाया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था राजा राम मोहन राय की बात करूं तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी इन्होंने क्या बनाया था ब्रह्मो समाज बनाया था राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया था ब्रह्मो समाज बनाया था सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मूवमेंट के लिए याद किया जाता है ठीक है अलीगढ़ मूवमेंट और बी आर अंबेडकर को टेंपल एंट्री मूवमेंट के लिए याद किया जाता है अगला है कि किसके द्वारा लिखी गई है किताब इंडिया विंस फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी एक बहुत मानक्षियत की वो मानक्षियत जो पाकिस्तान को बनने के खिलाफ थे वो मानक्षियत जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं जी हां हम बात कर रहे हैं उस मानक्षियत की जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनका नाम क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है। लैपियरी ने लिखा था फ्रीडम एट डोमिनिक लैपियरी ने कौन सा बुक लिखा है द्वारा कौन सा बुक लिखा गया फ्रीडम एट मिडनाइट डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे और जिनके नाम पे क्या दिया जाता है एजुकेशन डे मनाया जाता है अब हम बात करेंगे विधान चंद्र रॉय जिन्हें भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे तो बीसी रॉय विधान चंद्र रॉय जिनका एक जुलाई को जन्मदिन आता है और डॉक्टर्स डे मनता है क्या मनता है डॉक्टर्स डे मनता है ठीक है तो विधान चंद्र रॉय जो है ये क्या थे फेमस डॉक्टर थे थी. ठीक है तो मेडिकल साइंस के अंदर बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है कहां पे दिया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर विधान चंद्र रॉय अवार्ड दिया जाता है ठीक है तो ये चीज क्या रखोगे आप याद रखोगे एक जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन की याद में उसके बाद अगला है मूर्ति देवी अवार्ड एक और नया अवार्ड देखो कुछ अवार्ड आप लगातार याद करते आ रहे होंगे लेकिन दो चार आप नए सीखोगे तो फायदा रहेगा तो जो नया होता है उसको आप लिख लिया करो अपने नोट्स में हर चीज मत लिखो नोट्स में हर चीज मतलब जो आती है उसको लिखने का कोई फायदा नहीं रहता लेकिन जो नहीं आती जो नई है उसको आप लिख सकते हो मूर्ति देवी जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है आपसे पूछा जा रहा है मूर्ति देवी अवार्ड किसमें 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 लिटरेचर में दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड किसमें मिलता कि है लिटरेचर के लिए दिया जाता है म्यूजिक के लिए कालीदास सम्मान म्यूजिक के लिए कौन सा मिलता है कालीदास या फिर संगीत नाटक अकेडमी ये सम्मान ठीक है तो ये आपको याद रखना होगा उसके बाद अगला है कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म टॉकी मतलब बोलती हुई जिसमें आवाज थी अब आपको मैं बता दूं भारत में सबसे पहली जो फिल्म बनी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र ठीक है राजा हरिश्चंद्र क्या है भारत की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र भारत की फर्स्ट फिल्म रही यह कैसी थी साइलेंट फिल्म है जिसमें आवाज नहीं थी यह 1913 में बनी यह कब बनती है 1913 में बनती है और इसके 18 साल बाद एक और फिल्म आती है नाम है आलम आरा आलम आरा जो फिल्म है यह बोलती हुई थी और यह क्या है अरे यहां पे तो लिखा ही नहीं राहुल गांधी कहां से आ गया सॉरी ठीक है जी राहुल गांधी कहां से आ गया बेटा आलम आरा क्या थी भारत की पहली बोलती हुई फिल्म जो आई उन्नीस में और आपको नाम याद रखना नाम लिख लीजिए नाम बहुत ही काम का है आलम आरा ठीक है राजा हरिश्चंद्र पहली साइलेंट मूवी थी जो 1953 में आई थी ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगला है आपका हु वो द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल ऑप्शन नहीं दिए गए हैं डायरेक्ट में आंसर बता दूंगा पता नहीं ऑप्शन कैसे नहीं दिए इसमें डायरेक्ट में आंसर आपको बता देता हूं, भारत की पहली महिला जिन्हें मिस वर्ल्ड चुना गया था नाम क्या था रीता फारिया नाम क्या था बेटा रीता फारिया रीता फारिया को नाइनटीन में क्या मिला था मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड रही है ठीक है है टाइटल जो होता है, भी वो पूरी दुनिया में के लिए दिया जाता है और एक मिस यूनिवर्स टाइटल होता है अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो चेहरे से खूबसूरत वो अपने दिमाग से खूबसूरत होते हैं और इसी के कारण स्मार्ट ठीक है दिमाग से स्मार्ट इसी के लिए मिस वर्ल्ड टाइटल दिया जाता है 1966 में रीता फारिया को मिला था याद रखना उसके बाद अगला हमारा आखिरी सवाल है पद्म अवार्ड जो होते हैं वो हर साल कब दिए जाते हैं पद्म अवार्ड जो हैं, वो हर साल कब दिए जाते हैं पद्म अवार्ड जो होते हैं वो हर साल दिए जाते हैं देखो पद्म चार हैं भारत रत्न को छोड़ दो तो तीन ही रह जाते हैं पिछली बार यहां से दो क्वेश्चन आए थे सैनिक स्कूल में पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट है भारत का पद्म भूषण होता है थर्ड हाईएस्ट है भारत का और फोर्थ हाईएस्ट होता है पद्मश्री ठीक है तो ये अवार्ड कब मिलते हैं 26 जनवरी को घोषित किए जाते हैं रिपब्लिक डे पे कब घोषित किए जाते हैं इनको रिपब्लिक डे पे घोषित किया जाता है तो भैया ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी हर वीक हम कोशिश करते हैं पच्चीस तीस नए क्वेश्चन और नए क्या मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने का और हो सकता है संडे आपके लिए एक बेहतरीन क्लास हो एक बेहतरीन मैराथन क्लास हो जिसमें हो सकता है भाई हम स्कॉलरशिप टेस्ट वाले या कोई भी क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे 25 जून को स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है ठीक है जी इसके अलावा जो बैचेस हैं भाई आरआईएमसी के लिए वो ऑब्वियसली शुरू हो चुका है क्लासेस भी हो चुकी हैं तीन क्लासेस आरआईएमसी के लिए भाई हम कर चुके हैं अब तक तीन चार क्लासेस हो चुकी हैं चार क्लासेस तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हम कल एक फिर नए टॉपिक के साथ और हिस्ट्री सीरीज हमारी चल रही थी उस हिस्ट्री सीरीज को ही हम आगे बढ़ाते हैं हिस्ट्री सिलेक्शन सीरीज हम चला रहे थे उस हिस्ट्री सिलेक्शन सीरीज को ही आगे बढ़ाते हैं कल से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद आप आए जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल मिलेंगे तब तक के लिए सर क्या सैनिक स्कूल के लिए आंसर लिखने को आता है आ रहा है नहीं बेटा सैनिक स्कूल में केवल ऑप्शन वाले आते हैं सर ट्वेल्थ में रॉन्ग आंसर है कौन सा है भाई ट्वेल्थ बेटा कौन सा रोंग है सार्क का मेंबर नहीं है चाइना नहीं है बेटा सार्क का मेंबर बेटा थोड़ा दिमाग लगाया करो ऐसे नहीं कुछ भी मार दोगे और दूसरों को भी भ्रमित करोगे सार्क का मेंबर चाइना नहीं है बेटा सार्क का क्यों होगा मेंबर चाइना सार्क के मेंबर्स जो हैं वो हैं भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका भूटान नेपाल बांग्लादेश मालदीव आठ सदस्य हैं ठीक है तो भैया दूसरों को भ्रमित मत करो दूसरों को भ्रमित मत करिए आपका डेट ऑफ बर्थ एक जुलाई 2012 है बेटा आपका आखिरी अटेम्प्ट अगले साल आएगा बिल्कुल एब्रीवियशन की भी एक क्लास लेकर के आता हूं चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का